Assalamualaikum. My name is Behroz Shah and I am from Tamjeed Developers Private Limited. आज मैं नरगिस ब्लॉक भैरी टाउन सेक्टर सी में मौजूद हूँ और जिस घर में मैं खड़ा हूँ ये 10 मंजिले का घर है जिसकी डायमेंशन है 38x65। ये एक थोड़ा सा 10 मंजिला से बड़ा घर है और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू घर है और आज मैं आपको इसका विजिट करवा सकूँ। इस टाइम मैं जो है इस घर के गराज के अंदर मौजूद हूँ जिसके अंदर आप इजीली जो है वो दो गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं और एक गाड़ी जो है आप इस साइड पे भी पार्क कर सकते हैं। तीन गाड़ियों की जो है इसके अंदर स्पेस है। यू कैन इजीली पार्क थ्री कार्स इन दिस हाउस। ये अब आपको हम इस घर का अंदर से विजिट करवाते हैं। इस टाइम हम घर की मेन लॉबी में मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर एक सेपरेट एंट्रेंस दी हुई है फॉर अपर पोर्शन के लिए। अगर आपकी फैमिली छोटी है और आप जो है इस घर को अपने अपर पोर्शन को रेंट आउट कर सकते हैं तो आप इजीली इसको रेंट आउट कर सकते हैं और ये आपकी प्राइवेसी की जो है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। यू कैन क्लोज योर डोर फ्रॉम हियर और आपका एक बैक साइड से गली से रास्ता है जो आपकी स्टेयर जो है वो डायरेक्ट ऊपर लेके जा रहा है। आप अपना ऊपर वाला पोर्शन रेंट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 10 मंजिले का जो अपर पोर्शन है वो इजीली जो है वो 30 से 35 हज़ार रुपये में रेंट आउट हो सकता है। इस टाइम हम घर के टीवी लॉन में मौजूद हैं। आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं कि मीडिया बोर्ड को बहुत ही नफासत के साथ जो है डिजाइन किया गया है। उसके बाद अगर आप मेरे राइट साइड पे देखेंगे तो ये वॉल है जिसका वॉल पेपर बहुत ही खूबसूरत है। इसी के अंदर आपको एक फायर ग्लेस मिल जाती है जिसके अंदर आप सर्दियों के अंदर अपना हीटर वगैरह के तौर पर आपकी यूज हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से ड्राइंग रूम के वॉल को डिजाइन किया गया है और इस ड्राइंग रूम की सीटिंग स्पेस जो है बहुत अच्छी है। आप यहाँ पर 7 सीटर सोफा रख सकते हैं, दीवान रख सकते हैं, आपकी सेंटर टेबल आ सकती है और वो आपकी साइड टेबल्स इजीली जो है ड्राइंग रूम के अंदर आ सकती है और यहाँ पे 10 से 15 लोग जो है वो इजीली बैठ सकते हैं। इस टाइम हम घर के किचन के अंदर मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी स्पेस बहुत अच्छी है किचन की, आप इजीली मूव कर सकते हैं और इस किचन का कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्लैक और बीच कलर की जो है इसके अंदर कैबिनेट दी गई है और स्नो व्हाइट कलर की टॉपिंग है इसके ऊपर जो कि एक बहुत ही अच्छा एनवायरमेंट आपको प्रोवाइड करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पर हेड वॉल है जो कि बहुत ही नफासत के साथ डिजाइन की गई है। उसके बाद इस कमरे का स्पेस बहुत अच्छा है कि यहाँ पे क्लोजेट्स लगे हुए हैं। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ इसको क्लोजेट की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। वार्डरोब आपके बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किए गए हैं। आपकी यहाँ पे इस साइड पे मीडिया वॉल है, आप यहाँ पर अपनी LCD हैंग कर सकते हैं और किसी भी मूवी या गेम को एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली। सेकेंड बेडरूम के अंदर मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड पे एक विंडो भी है जिसके अंदर से रोशनी आ रही है। दिन के टाइम आपको यहाँ पे लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी विंडो ओपन होगी और डायरेक्ट रोशनी जो है वो अंदर आ रही होगी। उसके बाद इसके बेडरूम के साथ ही आपका अटैच वॉशरूम है, उसके अंदर आपके क्लोजेट्स हैं, अटैच वॉशरूम के अंदर ही आपके क्लोजेट्स हैं और आपके इस वॉशरूम के अंदर जो कुर्सी लगी हुई है, कमोड है, बहुत खूबसूरत वैनिटी तैयार की गई है जो कि बहुत ही एक खूबसूरत लुक दे रही है इस वॉशरूम। इस टाइम हम फर्स्ट फ्लोर के स्टेयर फ्लोर पर मौजूद हैं। आप मेरी राइट साइड पे देखेंगे तो ये बाहर जाने का रास्ता है और अगर आप यहाँ से ये स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं जो आपकी रूफ को अप्रोच करती हैं और यही स्टेयर्स आपके नीचे जा रही हैं जिससे आप अपने ग्राउंड फ्लोर पर जा सकते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं स्टेयर्स फ्लोर को बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। वॉल पेपर्स का यहाँ पर काम हुआ है जो बहुत ही खूबसूरत वॉल पेपर लगा हुआ है। इस टाइम हम घर के सेकंड टीवी लॉन में मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे मीडिया वॉल है जो कि बहुत ही नफासत के साथ तैयार की गई है और इस लॉन्च की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी सिटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है और ये आपके तीनों बेडरूम के साथ और किचन के साथ कनेक्टेड है। आप यहाँ पे सिटिंग कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और इस टीवी लॉन्च के अंदर आप देख सकते हैं कि फर्नीचर बहुत खूबसूरत लगे हुए हैं, सीलिंग बहुत अच्छी हुई हुई है और आपके वॉल पेपर बहुत खूबसूरत लगे हुए हैं। इस टाइम आप घर के सेकंड किचन में मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी स्पेस बहुत अच्छी है। अमूमन घरों में ये होता है कि जो नीचे वाले फ्लोर का किचन होता है वो बड़ा होता है और जो ऊपर वाले फ्लोर का किचन है वो छोटा होता है, लेकिन इस घर में दोनों किचन सेम साइज की हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं आपके ड्रॉर लगी हुई है, आपके कैबिनेट्स लगे हुए हैं जिसके अंदर आप अपनी क्रॉकरी वगैरह स्टोर कर सकते हैं, बर्नर लगा हुआ है, हुड लगा हुआ है जिस तरह से अगर आप खाना वगैरह पका रहे हों तो गर्मी नहीं होगी, आप हुड चला सकते हैं और आपकी सारी गर्म हवा जो है वो एग्जॉस्ट के जरिए बाहर निकल। इसके हम घर के थर्ड बेडरूम में मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पर बेडरूम है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही आई कैची है। इसके अंदर मिशी लगी हुई है और मिशो के अंदर लाइट्स हैं
जो कि बहुत ही अच्छा एक आपको एनवायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है। और इसी रूम के अंदर आप मेरे लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि एक विंडो है जहाँ से डायरेक्ट जो है वो सनलाइट अंदर आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इससे आपका कमरा जो है वो हवादार रहेगा, रोशनदार रहेगा। और बाकी इसके अंदर क्लोजर्स लगे हुए हैं, क्लोजर्स की कैपेसिटी बहुत ही अच्छी है, आप अपने कपड़े वगैरह इसके अंदर हैंग कर सकते हैं आपको। और इस बेड का जो है बहुत ही स्टैंडर्डाइज साइज है, हम घर के और बेडरूम में मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस बेडरूम का साइज बहुत ही स्टैंडर्डाइज है। मेरी बिल्कुल बैक साइड में विंडो है जहाँ से आपको रोशनी और हवा मिल जाएगी। और क्लोजर्स है इसके अंदर, क्लोजर्स कैपेसिटी बहुत अच्छी है, मीडिया वॉल है इसके अंदर। और साथ ही इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम है, वॉशरूम के अंदर आपका वॉल माउंटेड का मोड लगा हुआ है, वैनिटी लगी हुई है। हम घर के फिफ्थ बेडरूम में मौजूद है। इस बेडरूम में भी आपको टेरेस की एक्सेसिबिलिटी भी मिल जाती है, अटैच वॉशरूम है इसके साथ, इसके अंदर वैनिटी बहुत खूबसूरत लगी हुई है। और इस कमरे को भी बहुत अच्छा डिजाइन किया गया है, नीचे है इसके अंदर, इसके अंदर जो है वॉल पेपर का काम किया गया है। और ये मैपिंग वॉल पेपर लगे हुए हैं सारे, जो कि इस कमरे को बहुत ही खूबसूरत बना। उम्मीद है कि आपको इस घर का टूर पसंद आया होगा। मैं फिर एक दफ़ा इसको समराइज कर दूँ सारी बातों को। इस घर के अंदर पांच बेडरूम है विद अटैच वॉशरूम, सॉलिड वुड के सारे डोर्स इसके हैं, टाइल लगी हुई है 32x32 की। और इस घर के अंदर आपको तीन गाड़ियों की पार्किंग मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात है, एज अ बायर जिन्होंने घर लेना चाहते हैं, इस घर की प्राइस बहुत ही रिजनेबल है। सिर्फ और सिर्फ 2,25,00,000 रुपये में आप ये घर खरीद सकते हैं, जो कि सेक्टर सी नर्गिस ब्लॉक डेली टाउन लाहौर में वाक्य है। सर्वेंट के लिए सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ है आपका विद अटैच वॉशरूम, जिसके अंदर वो अपनी फैमिली को रख सकता है। उसके बाद तीन गाड़ियों की पार्किंग है घर के अंदर। उम्मीद है आपको वाला ये घर का टूर बहुत पसंद आया होगा। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्द मिलते हैं एक नए घर के साथ, डेली टाउन लाहौर के या फिर किसी और सोसाइटी के। दुआओं में याद रखिएगा, आपका मेजबान है रोशन खुदा।